रोज की बात है, बात सही है, पड़ता है ना, आपके अपने बच्चे भी हैं। देखे मैंने आपके स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी देखे हैं। सो सर, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम 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 यू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। सो तैयार हो आप लोग सभी? सो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और अलग अलग के हिसाब से अलग अलग हमारे पास यहाँ पे मेथड्स होते हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या आपको? कुछ वॉइस क्लियर नहीं है सर? हाँ सर। ओके, एक मिनट मैं देखता हूँ शायद क्या हो रहा है, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, आप लोग भी एक बार अपना रिफ्रेश कर दीजिए। राहुल प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए, आप आई थिंक आपने अपना कैमरा ऑफ कर रखा है, प्लीज कैमरा ऑन करिए। सर आप भी क्या राहुल कर रहे हो, हमें तो बताओ ना। एक मिनट बच्चों, ब्रेकफास्ट रेडी है, फैमिली के साथ करोगे या? अभी क्लास चल रही है, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ मैं। अरे पर ब्रेकफास्ट, चलो थैंक यू सो मच और मिलते हैं कल, ऐसे ही रेगुलर क्लास अटेंड करा करो, है ना? थैंक यू। हाँ एकेडमी की क्लास है यार, फटाफट टी शर्ट चेंज कर लेता हूँ मैं। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अन अकेडमी। सो आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ ग्रुप थ्योरी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं कल, और इसी टाइप ऐसे रेगुलर क्लास अटेंड करता रहा करो। ओके थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। हेलो हेलो सर, मैंने आपकी यूट्यूब वीडियो देखी, मेरे को उसमें एक डाउट है। बेटा यार समझा करो यार, अपने 5.5 लाख सब्सक्राइबर है, अगर हर बच्चा मुझे ऐसे फोन करके पूछेगा तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा? पर सर डाउट। अरे समझो तो सही बेटा, मैंने उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा, वहाँ जाके अपने प्रॉब्लम भेजो यार। क्यों क्यों वीडियोस क्यों डालते हो जब डाउट सॉल्व नहीं कर सकते? यार इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ, उसके बाद भी बच्चों के ये रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। अरे यार अभी ऑनलाइन वेबिनार है, टी शर्ट चेंज करता हूँ। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल, और आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ करियर ऑप्शंस के बारे में कि आप मच फॉर वॉचिंग मी और अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनिए, बस यही आशा करता हूँ, और मुझे लगता है कि जो मैंने करियर ऑप्शंस बताया वो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। सो थैंक यू, बाय बाय। पापा पापा आप लंच कब करोगे, बहुत लेट हो गया है, आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया? अरे करो ना। अरे बेटा मैं आ रहा हूँ ना, मेरे को भी यूट्यूब वीडियोस बनाने हैं और साथ में मेरे को पीपीटी बनानी, मेरी शाम को क्लास है। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजन पुरोहित, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी, और स्टूडेंट मेरे जो वीडियोस है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और मेरे जो वीडियोस है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होंगे, अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय। यूट्यूब चेक कर लेता हूँ यार, देखो यूट्यूब पे क्या हो रहा है। महाबकवास, मुद्दे की बात किया करो, स्टूपिड चैनल, बकवास उल्लू कहीं का, टू डिसलाइक ले। खाना खा लेता हूँ, 4 बजे क्लास है मेरी। YouTube पे वीडियो अपलोड कर देता हूँ यार, बच्चे वेट कर रहे होंगे, काफी टाइम हो गया। पापा रात के डिनर के लिए आ जाओ। आ रहा बेटा, ना मैं भी वीडियो अपलोड करके आ रहा हूँ, ठीक है? आप सुबह के लंच में अभी नहीं आए थे। आता हूँ बेटा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? ओके बाय बाय बाय। Why people are thinking for this teaching is giving the service when you are paying him, so don't thank him. खाना खा लेते हैं। कैसा रहा आज का दिन? बस अभी 9 बजे वापस क्लास है। ना आज लंच साथ में किया, ना आज डिनर साथ में किया, डिनर भी आपने यहाँ मंगाया, ना बच्चों के लिए बनाना था, क्लास होगी मेरी। वो तो रोज की बात है ना, रोज की बात है, बात सही है। बनाना पड़ता है ना, अब लगभग 500-600 बच्चे, आपके अपने बच्चे भी है, ठीक है? मानस की क्वार्टरली चल रही है, आशय की मैं देखता हूँ, प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये पता है नहीं पता है, वो सो चुके हैं बच्चे दोनों। देखे मैंने आपके स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी देखे हैं, कैसे बच्चे कर देते हैं, इसमें क्या हो गया?
खैर छोड़ो, लेकिन टाइम मिले तो फैमिली को भी टाइम दो। करता हूँ बात। सुबह से ऐसी शाम हो जाती है, ना फैमिली के लिए टाइम मिल पाता है, ना खुद के लिए टाइम मिल पाता है, ना ही मैं बच्चों को प्रॉपर टाइम दे पा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं क्विट कर दूँ, और फिर मन में वो ख्याल आता है कि यार वो स्टूडेंट जिनको मेरी ज़रूरत है, जो वाकई में जिनको फ्री एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए काम करने की इच्छा होती है यार। चलो कुछ मतलब पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के नेगेटिव कमेंट की वजह से मैं उनके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकता यार, इसी ख्याल से काम करना चाहता हूँ। और रही बात पैसे कमाने की, तो यार एक टीचर है ना, किसी बच्चे को पैसे कमाने लायक बना सकता है ना, तो पैसा और भी बहुत अच्छे तरीके से कमा सकता है। तो पैसा कमाना तो अलग चीज़ है, पर कहीं ना कहीं उसके पीछे के जो एफर्ट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। सो हैप्पी गुरु पूर्णिमा ऑल ऑफ यू, एंड अगर गुरु का सम्मान करना है ना, तो यार दिल से करा करो, अच्छा लगता है। थैंक यू।